क्लास 8 में एनसीईआरटी सीबीएसई के बुक से स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चल रहा था, चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.1 का फोर्थ क्वेश्चन में आ गए, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड फाइंड द मिसिंग डिजिट। ठीक है, इसको हमको पैटर्न को देखना है और मिसिंग नंबर हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, 11 स्क्वायर 121 होता है। ठीक है, अब 11 के बीच में जीरो डाल दिया है, देखिए 11 वन आगे, वन लास्ट में दिया और जीरो बीच में डाल दिया, तो क्या होता है कि 10201 होता है, यानी जितने वन हैं दोनों वन को यदि प्लस करना है कितना हो जाएंगे, टोटल टू नंबर्स ऑफ वन है, तो वन प्लस वन इज इक्वल टू टू हुआ, तो ये कहाँ तक जाएगा, तो टू तक जाएगा, तो 10201 ऐसा गया है। ठीक है, यहाँ क्या है, वन और दोनों साइड में वन है और बीच में टू नंबर्स ऑफ जीरो है, इसका स्क्वायर क्या होगा, तो इसमें वन और वन कितना हो गया, टू हो गया, टोटल नंबर ऑफ वन कितने हैं, टू हैं, तो दोनों को प्लस करेंगे तो टू आएगा, तो सेम टू सेम बनाना है, वन फर्स्ट में वन लास्ट में। ठीक है, टू नंबर्स ऑफ जीरो है तो टू नंबर्स ऑफ जीरो डाल देना है, टू नंबर्स ऑफ जीरो और वन टू हो गया, फिर जीरो जीरो फिर वन, इस तरह का ये है। ठीक है, इसमें फोर नंबर है, फोर नंबर ऑफ जीरो है, वैसे ही टू टू नंबर ऑफ वन है, तो क्या होगा कि वन फोर टाइम जीरो, टू फोर टाइम जीरो फिर वन, ऐसा यहाँ फोर टाइम जीरो हो जाएगा, यहाँ भी फोर टाइम जीरो है, अब जितना भी होगा उसके हिसाब से, अभी अभी क्या है, यहाँ पे शुरू में वन हो जाएगा, एंड में वन हो जाएगा, ठीक है, और मिडिल में टू हो जाएगा, और जितने जीरो हैं वो ये साइड में भी और ये साइड में भी हो जाएंगे, कितने हैं, टू नंबर्स, टू नंबर फोर, टू सिक्स, सिक्स नंबर ऑफ जीरो यहाँ हो जाएंगे, फिर टू हो जाएगा, फिर सिक्स नंबर ऑफ जीरो हो जाएंगे। ठीक है, देख लीजिए एक बार पैटर्न, ये देख लीजिए 121 हुआ, ये दिया हुआ था, ये भी दिया हुआ था। ठीक है, यहाँ पे फोर टाइम्स ऑफ जीरो है, इसीलिए हमने वन टू थ्री फोर, फोर टाइम ऑफ जीरो यहाँ पे लगाया और टू के बाद फोर टाइम ऑफ जीरो यहाँ पे लगाया। ठीक है, यहाँ पे क्या है, सिक्स टाइम ऑफ जीरो है, तो क्या करेंगे, अभी इसमें तो सब पूरा ही लिखने का है हमको, तो कैसे लिखेंगे, ये फर्स्ट वन लिखिए, लास्ट वन लिखिए, मिडिल में ऐसा लिखिए, वन वन मिडिल में टू लिख दीजिए। ठीक है, आ गया समझ में, कितने जीरो हैं, टू टू फोर टू सिक्स, सिक्स जीरो हैं, तो इधर भी सिक्स जीरो डाल दीजिए, ये सिक्स जीरो डाल दिया, इधर भी सिक्स जीरो डाल दीजिए, टू टू फोर सिक्स, टू टू फोर टू सिक्स, हो गया, यही आंसर हो गया। ठीक है, आ गया समझ में, क्वेश्चन नंबर फोर कंप्लीट हो गया।